अरे चलो खाना स्टार्ट हो गया। मैंने बिना खाना स्टार्ट कर दिया। कितना नोता लिख दू? नोता? अरे पूपा मैं नहीं जानता तुम कौन हो। आज के बाद नोता नहीं लिखूंगा, अपनी शादी का नोता भी नहीं लिखूंगा। नोता मांग रही है हमसे, एक तो खाने पहले स्टार्ट कर दिया। नहीं बंदा रे चंद। अरे खोल तो दो। आज नहीं खुलेगा बेटे, रिश्तेदार ही कंजण है साले। अरे क्यों गुस्सा कर रहे हो फूफा? तुम भी हर वक्त हेड़ती रहते हो हर किसी को। एक तुम्हारी वजह पर जाना जो इस घर में कदम रख दिया मैंने, वरना कभी जिंदगी में नहीं आता। अरे कुत्ता आवाज नहीं आएगा शादी में भी। क्या? अरे यहाँ बिरयानी प्लेट ना, बिरयानी प्लेट लगा दी जरा। खराब कर रहा। अरे भाई साहब खाना स्टार्ट हो गया क्या? तुझे कोई और नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे? उधर जाके पूछ ले। बच्चे खा रहे हैं, बच्चे बच्चे भी खा रहे हैं। कम खा ले, डेट ले। अरे क्या हो गया भाई पापा? क्या तुमने पूरे खाने की ऐसी तैसी मार दी? क्या हुआ था? क्यों मार रहे हो? 15 मिनट हो गए बैठे बैठे, ना तो किसी ने चाय को पूछा, ना ही किसी ने नाश्ते को पूछा। अरे तो भूखा खाना नहीं खाओगे? भूखा भेजा गया तो मुझे भूखा। यार क्या हुआ था यार फूफा? अरे नाश्ता लगवा दे इनके फूफा का। अरे क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं बना तो रही हूँ चाय फूफा। एक तुम्हारी वजह फर जाना जो इस घर में कदम टिकाए पड़ा हूँ, वरना बड़े बड़े घरों के मैंने नाश्ते और खाने ठुकरा दिए। एक कप चाय के मारे पूरी महफिल में कुत्ता बना फिर रहे, बड़े बड़े घर के दापते हैं। क्या? अरे कुछ रहे वो इनके लिए कोरमा लगवा दिए फूफा के लिए जरा जल्दी। एक तो ये भाड़ू लिपसिंग कर देते हैं, इनके होठ समझ में नहीं आते क्या बोल रहे हैं। खुल के बोल। अरे कुछ रहे फूफा आओ लव यू। अरे यार वो मेरी गुरियल बना रहे हो यार, खाने में गिलवाऊंगा। चलो यार चलो कुछ यार चलो फूक दो यार गुस्सा, बैठ जाओ यार भाई साहब बैठ। अरे हटो अलग कू सालो, इज्जत करना आती है तुमने दामाद की? किस घर में कैसा है क्या है बेइज्जत हो? अरे यार भिनोई साहब यार मान जाओ यार, इज्जत का सवाल है, गुस्सा थूक दो, क्यों गुस्सा कर रहे हो? ये कौन है भाई? दामाद जी हैं ये, आए दिन इनके ये नाटक रहे हैं। इज्जत सालो बेइज्जत हो, इज्जत छोड़ी है तुमने हैं? दुनिया दहेज में कारें दे रही है, तुमने मोटरसाइकिल दी है, वो भी अब छोटी वाली लोनिया की शादी करी है जब भाड़ो। अरे यार भैनू साहब ले लियो यार कार ले लियो, आ जाओ बैठ जाओ यार शादी में बैठ जाओ, इज्जत का सवाल है, आ जाओ। एल्टो के टेन निकलवा देंगे भैनू साहब, बैठ जाओ यार शादी में आ जाओ। सालो बेइज्जत हो, दुनिया की कोई सी भी ताकत आ जा, किसी भी मंत्री को बुला लो विधायक को बुला लो, तुम्हारी शादी में नहीं बैठ के दूंगा मैं आज। क्यों नहीं बैठेगा भाई? थोड़ा दोस्त शानदार हो रहे हैं तुम्हारे भाई। लाहौल वाला कुवत क्या जाब लिए फिर रहा भैया? अरे खालू बहू है मेरी, पार्लर से टचअप करा के ला रही हूँ। टचअप? अरे इस नमूने को दुबका के रख ले, खामा खा शादी में किसी की मैयत हो जाएगी इसे देख के। वालेकुम अस्सलाम, क्या जाब है भैया? अभी तो टचअप ही कराया मैंने। टचअप कंजड़ी लग रही है बिल्कुल। लग रहा खालू खाना स्टार्ट हो गया। अरे मुझे लग रहा खत्म भी हो गया दिख रहा। ओहो कैसी लग रही है, मर्दों जैसी। तू तो चुपी जा फरजाना, गलती से अगर जांच बांच बैठ गई ना तो अंदर से 10% औरत निकलेगी बस, समझ गई? अरे खालू क्यों गुस्से में घूम रहा हो तू? किसकी इतनी मजाल हो गई भाई जो खालू के बिना खाना स्टार्ट कर दिया? कौन माई का लाल है भाई, किसकी इतनी मजाल हो गई? किन्ने करा खाना स्टार्ट? ये इसे खालू किसने बुलाया? इन्होंने बुलाया हैगा। फरजन फूफा ने कराया खाना स्टार्ट ये। हाँ सही तो करा दिया यार, खाना वैसे भी टाइम से होना चाहिए। ला बेटे चावल, चावल ले ला बेटे यार, थोड़ा तो बढ़िया लग रहे हैं, टेस्टी हो रहे हैं दिखने में, तमाम सही। लाओ हम भी खाना खाएंगे। अरे बेटे भाई चावल दो, चावल फूफा को चावल दो। बस 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 दाल डालो बोटी के साथ, दाल बोटी।
और बोटी तो ना एक तो रोटी नहीं और ऊपर से कोई ढंग की बोटी नहीं सालो एक की लाशें बिठा में ऐसा कभी खाना खिलाया था और सुन ले भरजन फूफा ही कहते हैं